स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ओके, टुडेज टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज सेंट्रल टेंडेंसी। आपकी असाइनमेंट टू इज रिलेटेड विद द सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। नंबर वन, टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें डिफरेंट वैल्यूज दी जाती है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स, तो उसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म की वैल्यूज को दिया जाता है, तो हम उसको कहते हैं ये हमारी क्या है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, थ्रू रिसर्च है या किसी तरीके से हमारे पास डाटा आया। तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन को लेंगे, उसके अंदर से डाटे के अंदर से जो गिवन डाटा उसके अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे या ड्यूरिंग फार्मूला, चाहे वो डाटा हमारे पास ग्रुप का हो या अनग्रुप का हो, उसके अंदर से हमारी जो आंसर निकलेगा वो रिलेटेड विद द सेंट्रल वैल्यू होगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम ये होता है कि जी इसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। इसको मेजर करने के डिफरेंट तरीके हैं। नंबर वन, इसको हम मेजर कर सकते हैं 5 तरीकों से। अरिथमेटिक मीन हमारे पास, उसको हम स्टडी करेंगे, मोड को स्टडी करेंगे, मीडियन को स्टडी करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन को स्टडी करेंगे और हार्मोनिक मीन को करेंगे। इससे पहले कि हम चैप्टर को शुरू करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। आपको दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि ये डाटा आपको अनग्रुप दिया जा सकता है, एक डाटा आपको ग्रुप दिया जा सकता है। तो ग्रुप डाटा वो डाटा होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। जब भी लफ्ज आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, एफ आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रुप डाटा है। जहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाए वो हमारा ग्रुप डाटा। ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, 5 से 10 तक एक क्लास है, 10 से 15 तक दूसरी क्लास है, 15 से 20 तक तीसरी क्लास है, और साथ ही हमें क्या दे दी गई, फ्रीक्वेंसी। तो ये डाटे को हम क्या कहेंगे, ये हमारा ग्रुप डाटा है बिकॉज इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ गई। दूसरी बात, अनग्रुप डाटा कैसा होगा। अनग्रुप डाटा वो वाला डाटा होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं आती, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी, उस डाटे को हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा। फॉर एग्जांपल, हमें एक्स की वैल्यूज दे दी, ये जी दिस इज द वैल्यूज ऑफ द एक्स, 2, 5, 7, 9, 15, लेकिन इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं आई जिस तरह हमने इधर देखा था कि फ्रीक्वेंसी आई थी, तो इस डाटे को हम क्या कहेंगे, ये अनग्रुप डाटा है। ओके, सबसे पहला हमारा टॉपिक था कौन सा, मेयर्स के अंदर अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन्स को मैं सोल्व करने लगूँ, अरिथमेटिक मीन्स होता क्या है। अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ गिवन डाटा। इसके अंदर आपको डाटा जो दिया जाएगा उसका हम क्या करेंगे, सिंपल सम करेंगे, उसको जमा कर देंगे गिवन ऑब्जर्वेशन को, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, अरिथमेटिक मीन निकल आएगी। अरिथमेटिक मीन को सोल्व करने के 3 फार्मूलाज गिवन है। नंबर 1 डायरेक्ट मैथड, नंबर 2 इनडायरेक्ट को हम शॉर्टकट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो शॉर्टकट मेथड भी है। तो डायरेक्ट मेथड हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया, और तीसरा स्टेप डेविएशन। अच्छा, जो ये डाटा है समीशन एक्स ओवर एन, इसके अंदर देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं आई, तो ये सारे अनग्रुप डाटा है। तो सबसे पहली बात, ये बेसिक जो हमारा फार्मूला है वो ये है, किसका, एक्स इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर एन, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। उधर एक्स है, इधर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, तो एफ एक्स हो गया, और डिवाइड उधर एन पे हो रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, इधर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आ गई। दूसरा मैथड है हमारे पास शॉर्टकट मैथड, उसके अंदर हम समीशन हम कहते हैं ए प्लस समीशन डी ओवर एन, और ग्रुप के अंदर देखें डी से पहले एफ आ गया और एन की जगह पर भी एफ आ गया, तो दोनों साइडों पर एफ आ गया, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। तीसरा हमारा जो मेथड है वो कौन सा है, वो है जी शॉर्टकट मेथड, सॉरी स्टेप डेविएशन का मेथड। स्टेप डेविएशन के मेथड के अंदर यू आ जाता है, समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय सी, या इसको भी आप एच ही कर लें ताकि एक ही तरीके से हो जाए। ओके, तो समीशन ए प्लस, यहाँ यू था अनग्रुप में, ग्रुप के अंदर फ्रीक्वेंसी, और नीचे भी फ्रीक्वेंसी, जो एन था वहाँ भी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, आज सिर्फ हमने अनग्रुप को सोल्व करना है, ग्रुप जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में तो हम उसको देखेंगे ग्रुप को कैसे करते हैं। ओके, अगर कहता है मेरे पास एक्स की वैल्यूज हैं 5, 7, 9 वाले, कहता है ये कैलकुलेट कर लें इस चीज़ को, अरिथमेटिक मीन को। तो आप दोबारा सोचिए जी, अरिथमेटिक मीन होता क्या है। अरिथमेटिक मीन होता है जी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब तमाम को हम जमा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन। ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा, क्या
किसका फार्मूला पढ़ा था अरिथमेटिक मीन का, डायरेक्ट मेथड का समीशन एक्स ओवर एन। तो मैं इसको सोल्व करने लगा हूँ डायरेक्ट मेथड के साथ, तो समीशन एक्स ओवर एन, तो एक्स की वैल्यू गिवन है, पहली क्या वैल्यू थी 5, मैंने 5 लिख दिया, दूसरी 7 लिख दिया, तीसरी 9 और चौथी 1, और इन सबको सम कर दिया। एन कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, एन किसे कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। तो मैंने ऊपर सबको सम कर दिया तो मेरे पास जवाब आ गया 22 और डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालूंगा, ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो n क्या हो गए 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जमा करके आपने यहां लिख दिया और n क्या आ गया 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको डिवाइड किया तो ये हमारा जवाब आ गया किसका, अरिथमेटिक मीन का। ओके, तो अरिथमेटिक मीन के बाद हम दूसरा चलते हैं जनाब मोड। मोड आज हम सिर्फ अनग्रुप में पढ़ेंगे, ग्रुप के अंदर जब मैं आपको सोल्व कराऊंगा या असाइनमेंट दूंगा तो अब मैं बताऊंगा ग्रुप डाटे में कैसे मोड को सोल्व करना है। तो मोड कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, वो वैल्यू जो बार 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 जो ज्यादा दफा आ जाए उसको हम कहते हैं मोड। अब नीचे मैंने कहा अगर आपको पेपर के अंदर एक्स दिया हो 5, 7, 9, 13, 15 के बाद 5, 7, 50 अभी, तो इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है जो बहुत दफा आई, तो 5 जो है वो कितनी दफा आया जी, 5 आया है 2 दफा, तो 5 आया ये नहीं, 5 आया 1 और 2 दफा, और 7 भी कितनी दफा आया 1 और 2 दफा, तो 7 भी 2 दफा आया और 5 भी 2 दफा आया, तो इसका मतलब है 5 और 7 दोनों मोड हैं। मोड एक से ज्यादा भी हो जाता है, अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि सर मोड सिर्फ एक ही आता है, मोड एक से ज्यादा हो सकता है। अब इधर 5 भी 2 दफा था, 7 भी 2 दफा था, तो बाकी सब एक दफा थे, तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी होगी 2, कौन कौन सी 5 और 7, और ये हो सकता था कि 9 भी 2 दफा आ जाता, तो मैं लिख देता 5, 7, 9, ये तीनों मोड है, लेकिन ये कौन सा डाटा है अनग्रुप का डाटा है, बिकॉज इन विच फ्रीक्वेंसी इज नॉट इन्वॉल्व। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती तो इस तरह सोल्व करते, फिर इसको हम फ्रीक्वेंसी के तहत लेके जाते, लेकिन सिर्फ आज के समझाने के लिए आपको इतना कि मोड उसको कहते हैं जो मैक्सिमम रेपिटेशन के अंदर आया हो, मैक्सिमम आया हो, उसको हम क्या कहते हैं मोड, और मोड एक से ज्यादा भी हो सकता है अनग्रुप में। तीसरी बात हमने डिस्कस करनी थी आज वेटेड अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ ली, क्या फार्मूला था समीशन एक्स ओवर एन, तो वेटेड के साथ सिर्फ आपने वेटेड लगा देना है, इसका सिंबल ये है क्या अरिथमेटिक मीन का फार्मूला, और साथ क्या आ गया वेटेड W, तो W एक्स ओवर समीशन W, ये डाटा हमारे पास आ गया। इसके अंदर हम क्या कहते हैं जब वेटेड अरिथमेटिक मीन हम करेंगे, वेटिंग अरिथमेटिक मीन कहता है कि हर जो आइटम है, जो हर वैल्यू है, उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, हर चीज की इंपॉर्टेंस है, तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, अगर आपको सब्जेक्ट दिए जाए, आपको सब्जेक्ट दिया जी इंग्लिश में ये है, उर्दू में ये है, और उस बच्चे के मार्क्स आए 5 मार्क्स आए, 1 में इंग्लिश में और उर्दू में आए 10, और उसकी हमने वेटेड डिसाइड की 10 और 5, कहता है जनाब अब आप हम मुझे निकाल दें वेटेड, यहां तक डाटा क्या होगा बेटा, ये 3 चीजें आपको गिवन है, 3 चीजें गिवन है पेपर में दी जाएगी, सब्जेक्ट भी, वेट भी और मार्क्स भी। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने पहले फार्मूला लिखना है समीशन, समीशन किसे कहते हैं सम को, जमा को कहते हैं समीशन, डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन W, तो समीशन W भी आपके पास आ गया और X भी आ गया। अब इन दोनों को हम 1 और 2 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं आपस में WX, तो देखें 10 और 5, 10 मल्टीप्लाई 5 50, फिर 5 और 10 5 मल्टीप्लाई 10 15, तो समीशन सम हो, जब हम इनको सम करेंगे तो डाटा हमारे पास क्या आ जाएगा 100, उसको डिवाइड किस पे करना है समीशन W पे, तो हमें इसका मतलब है सम किसका चाहिए, हमें W का भी सम चाहिए, तो W का हम जब सम लेंगे तो वो क्या आएगा 15, तो 100 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6.67 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे 3 टॉपिक कवर अनग्रुप के अंदर, ग्रुप में मैंने अभी कोई भी नहीं करवाया। फर्स्ट इज अरिथमेटिक मीन, सेकेंड इज मोड, एंड थर्ड इज
वेटेड अरिथमेटिक मीन, और चौथा हमारा टॉपिक है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। इसको उल्टा कर दे अरिथमेटिक मीन को तो वो क्या बन जाता है? हार्मोनिक मीन। देखते हैं जी अनग्रुप के अंदर अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला था, समीशन एक्स ओवर एन। इसको मैं उल्ट करता हूं तो जब मैं एन ऊपर आ गया अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक रूल, जब एक्स नीचे जाएगा तो वन ओवर एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स नहीं जा सकता नीचे। तो ये हो गया अनग्रुप का डाटा। अब अरिथमेटिक मीन का जरा ग्रुप का डाटा देखें, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, और जब मैंने इसको उल्ट किया तो समीशन एफ ऊपर आ गया और समीशन एफ डिवाइडेड बाय एक्स हो गया, तो ये बन गया ग्रुप का डाटा। तो जहां फ्रीक्वेंसी आ जाए वो डाटा ग्रुप, और जहां फ्रीक्वेंसी ना आए वो क्या अपना अनग्रुप। तो एक्स आ गई ये वैल्यू 120, 160, 210, और जब मैंने 1 ओवर एक्स किया, क्यों? क्योंकि मेरा फार्मूले के अंदर था ये कि मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x से 1 ओवर x किया तो 1 को डिवाइड किया x पे, मींस 1 डिवाइडेड बाय 120, तो 0.00833, 160 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 160 तो क्या आ गया 0.00625, और 1 डिवाइडेड बाय 210 तो 0.00476। तो अगर समीशन मींस सम, इस सब का जब मैं करूंगा सम तो क्या आ जाएगा डाटा मेरे पास 0.01934। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x की वैल्यूज। तो 1, 2, 3, तो तीन वैल्यू मुझे x की दी गई है, तो मैंने इधर क्या लिखा 3 डिवाइडेड बाय जो आंसर निकाला 0.01934, तो आंसर आ गया 15.155.12। तो दिस इज द आंसर ऑफ हार्मोनिक मीन। असाइनमेंट 2 इज रिलेटेड विथ ऑल दीज टॉपिक्स। आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करके होंगे, लेकिन अगर इफ यू फील एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप गूगल के ऊपर आके, गूगल क्लासरूम के ऊपर आके इस वीडियो को कमेंट करके कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ आया। तो आज हमने सिर्फ अनग्रुप को किया, अभी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन पड़ा है, मीडियन पड़ा है अनग्रुप का, ये डाटा पड़ा है, लेकिन जितना कवर हो सका था असाइनमेंट 2 के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। और वहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी सारे अनग्रुप के हैं, ग्रुप का कोई क्वेश्चन नहीं मैंने दिया अभी, क्योंकि ग्रुप मैंने भी पढ़ाना है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।